Hey guys, welcome back to my channel Foodology by Shweta. If you are looking for a great vegetarian appetizer for your summer grilling party, then look no further than this Haryali Paneer Tikka. It is extremely tempting, I bet you can't stop eating this. So without further delay, let's start. एक ब्लेंडर में चॉप कोरिएंडर, मिंट लीव्स, ग्रीन चिलीज, जिंजर, गार्लिक एंड क्यूमिन सीड्स डालें। सॉल्ट और लेमन जूस डालकर उसका पेस्ट बना लें। पनीर लें और उसको क्यूब्स में काट लें। एक बोल लें जिसमें कर्ड, ग्रीन चटनी, कसूरी मेथी, गरम मसाला, मस्टर्ड ऑयल, चाट मसाला और भुना हुआ बेसन डालें और अच्छी तरह मिला लें। पनीर क्यूब्स डालें और अच्छी तरह मिला लें। अनियन और कैप्सिकम डालें और अच्छी तरह मिला लें। एक घंटे के लिए उसे मैरिनेट कर लें। मैरिनेटेड पनीर और कैप्सिकम को स्क्यूअर में डालें। पैन में ऑयल डालें और उसे चारों ओर से रोस्ट कर लें। पनीर टिक्का अब रेडी हो गया है। आइए अब इसे एयर फ्रायर में बनाते हैं। एयर फ्रायर को 200 डिग्री पर 5 मिनट तक प्री हीट कर लें। बास्केट ओपन करें, उसे ऑयल से ग्रीस करें और सारे पनीर को उसमें डालकर 5 मिनट तक कुक कर लें। 5 मिनट बाद उसे फ्लिप करें और दूसरी साइड कुक कर लें। बास्केट ओपन करें, पनीर टिक्का अब रेडी हो गया है। अब सारे मैरिनेटेड वेजिटेबल को बास्केट में डालें और 2 मिनट तक कुक कर लें। 2 मिनट के बाद वेजिटेबल को बास्केट से निकाल लें। वुडन स्क्वायर में पनीर, अनियन, कैप्सिकम को डालें। उसे गैस पर चारों ओर से रोटेट करते हुए सेक लें। पनीर टिक्का अब रेडी हो गया है। उस पे चाट मसाला स्प्रिंकल करें। पनीर टिक्का अब रेडी हो गया है। उसे ग्रीन चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें।